स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। ये कहानी एक आर्मी ऑफिसर की है जो अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वहाँ उसके साथ किस तरह की घटना घटती है देखेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आर्मी रेंजर को देखते हैं जिसका नाम कैमरन है। ये छुट्टी पर अपने घर आया था, इसलिए वो सबसे पहले वो अपनी पत्नी से मिलने जाता है जो एक बार में काम करती थी। जैसे उसकी पत्नी कैमरन को देखती है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं क्योंकि काफी समय के बाद वो छुट्टी पर आया था। कैमरन की पत्नी उसे बताती है कि वो गर्भवती है और ये खबर सुनकर वे दोनों बहुत खुश होकर नाचने लगते हैं। तभी एक बदमाश आता है और कैमरन की पत्नी को परेशान करने लगता है। ये देखकर कैमरन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे शांत रहने को कहती है। हालांकि वो गुंडा और उसके साथी वहां से नहीं गए थे बल्कि वहीं बैठे हुए थे और उन पर नजरें गड़ाए हुए थे। जब ये दोनों बार से बाहर आते हैं तो गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और फिर से उसकी पत्नी को परेशान करने लगते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हद पार कर दी थी और कैमरन की आर्मी यूनिफॉर्म का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। कैमरन को इतना गुस्सा आता है कि वो अब खुद को रोक नहीं पाता और गुंडों को पीटने लगता है। वो उन्हें बुरी तरह से मारता है और आखिर में एक गुंडा चाकू निकालकर कैमरन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कैमरन उसे रोककर उसकी बाजू को तोड़ देता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। लेकिन वो गुंडा कैमरन के हाथों मारा जा चुका था। इस हादसे के बाद कैमरन को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे खूनी और समाज के लिए खतरा बताते हुए 7 साल की सजा सुनाई जाती है। ये देखकर कैमरन और उसकी पत्नी हैरान रह जाती है क्योंकि उसने ये सब अपनी जान बचाने के लिए किया था और उससे ये सब अनजाने में हुआ था, पर उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। अगले ही दिन उसे जेल भेज दिया जाता है। समय बीतता है और उसे अपनी पत्नी की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। ये जानकर कैमरन बहुत खुश होता है और अब अपनी बेटी से मिलने की उसकी इच्छा भी बढ़ जाती है, लेकिन फिलहाल वो अपनी बेटी से नहीं मिल सकता था। वो मजबूर था। उसकी पत्नी उसे शांत रहने और जेल में बिल्कुल शांत रहकर सबके साथ प्यार से पेश आने की सलाह देती है। जेल में अपना समय काटने के लिए कैमरन किताबें पढ़ता है और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करता है। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक कैदी से हो जाती है जो काफी अच्छा इंसान था, लेकिन उसे शुगर की बीमारी थी। कुछ साल और गुजर जाते हैं और अब कैमरन की सजा पूरी होने वाली थी, लेकिन तभी एक दिन उसे और कुछ खतरनाक कैदियों को एक प्लेन में बिठाकर एक दूसरी खास जेल में ले जाने का फैसला किया जाता है। इन सबको वहां ले जाने की जिम्मेदारी एक US मार्शल को सौंपी जाती है। वो मार्शल एक प्लान बनाता है और अपने एक एजेंट को नकली कैदी बनाकर इस प्लेन में भेज देता है ताकि वो एजेंट कैदियों के बीच जाकर सारी जानकारी जुटा सके और उन पर नजर रख सके। प्लेन में सभी कैदियों को दिखाया जाता है कि वे कितने खतरनाक हैं। उनमें से एक साइरस नाम का कैदी सबसे खतरनाक था। प्लेन उड़ने ही वाला था, पर उससे पहले उस एजेंट को नकली कैदी के रूप में तैयार करके प्लेन में बिठा दिया जाता है। और अब जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है, सभी कैदी जिन्होंने पहले ही भागने की पूरी तैयारी कर ली थी वो अपने भागने की तैयारी में जुट जाते हैं। साइरस अपनी हथेली में एक पिन छुपा कर लाया था जिसकी मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोल लेता है, जिसके बाद एक और कैदी अपने मुंह से छोटी सी बोतल निकालता है जिसमें मिट्टी का तेल भरा हुआ था और माचिस निकालकर अपने पास में बैठे कैदी पर आग लगा देता है ताकि यहाँ हड़कंप मच जाए। लेकिन जब गार्ड आग को बुझाने के लिए इनके पास आता है तभी ये कैदी उसको पकड़ते हैं और उसकी मदद से पूरे प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। अब पूरा प्लेन इनके कब्जे में था, जिसके बाद इन्हें एक कैदी बताता है कि कुछ देर में ये प्लेन एक जगह रुकने वाला है ताकि उन 6 कैदियों को उतार सके जो अपने घर जाने वाले थे, और उनमें से एक कैमरन भी होता है। तभी मौके का फायदा उठाकर जो नकली कैदी यानी एजेंट होता है वो एक कैदी पर बंदूक तान देता है और इन सबको हथियार छोड़ने को कहता है। कैमरन उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हालात और भी खराब हो सकते हैं, लेकिन वो एजेंट नहीं मानता और साइरस अपनी चालाकी से उस एजेंट को मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो 6 कैदी उतरने वाले थे इस हाथापाई में उनमें से 3 कैदियों की मौत हो चुकी है और अब ये तय करते हैं कि उनकी जगह पर 3 दूसरे कैदी जाएंगे ताकि उनको शक ना हो, और इनमें से एक कैमरन भी होता है, लेकिन वो साइरस से झूठ बोल देता है कि उसकी सजा खत्म होने में अभी समय है इसलिए वो नहीं जा सकता, और साइरस भी मान जाता है और उसकी जगह एक गार्ड को भेजने का तय करता है। साइरस कैमरन को कहता है कि तुम गार्ड के कपड़े बदल दो ताकि किसी को शक ना हो, और जब कैमरन ऐसा कर रहा होता है तभी उसे एजेंट के पास से एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसको कैमरन चुपके से कैदी के कपड़ों में छुपा देता है क्योंकि जब वो उतरे तो पुलिस वालों को साइरस के भागने के बारे में पता चल सके। अब वो जगह आती है जहाँ इन 6 कैदियों को उतरना था और सभी कैदी एक एक करके उतरने लगते हैं। साइरस इतना चालाक था कि उन ऑफिसर्स को बिल्कुल भी शक नहीं होने देता कि प्लेन में क्या हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ साइरस का साथी प्लेन का डिकॉर्डर निकाल देता है और किसी दूसरे प्लेन में शिफ्ट कर देता है ताकि जब ये प्लेन अपनी उड़ान भरे और इन पुलिस वालों को इसका पता चल भी जाए फिर भी ये लोग इन कैदियों की लोकेशन का पता ना लगा सके। अब इस जेल से भी कुछ कैदी इस प्लेन में चढ़ने वाले थे
और इनमें से एक कैदी इतना खतरनाक था कि उससे साइरस भी घबरा गया था। और अब ये सभी उड़ान भरने के लिए तैयार थे, लेकिन अब उन कैदियों को बस में बिठाकर ले जाया जाता है। तभी उनमें से एक के पास से टेप रिकॉर्डर नीचे गिरता है जो कैमरन ने रखा था, और अब ये सभी समझ जाते हैं कि इस प्लेन पर कब्जा कर लिया गया है। जिसके बाद इनमें से एक ऑफिसर इस प्लेन को बम से उड़ाने की राय देता है, क्योंकि उसमें सभी कैदी थे जो इनके किसी काम के नहीं थे। हालांकि उस प्लेन में इनके कुछ गार्ड्स भी थे, लेकिन इनको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यूएस मार्शल उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि उन कैदियों के बीच उनका एक साथी है, क्योंकि टेप रिकॉर्डर उसी ने भेजा था। अब साइरस उस खतरनाक कैदी को भी आजाद कर देता है और उसे सबके साथ बिठा देता है। जिसके बाद कैमरन साइरस के पास जाता है और पूछता है कि हम कहां जाने वाले हैं। साइरस बताता है कि अब हम ये देश छोड़ देंगे और यहाँ से कहीं दूर जाकर वहीं रहेंगे और आजाद जिंदगी जिएंगे। कैमरन ये बात सुनकर वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और पास में बैठे अपने दोस्त को देखता है, जिसकी हालत काफी खराब हो रही थी, क्योंकि वो अपनी दवाई उस जेल में ही भूल गया था और अब अगर उसे दवा ना मिले तो वो मारा जाएगा। लेकिन तभी पायलट यानी साइरस का साथी कहता है कि प्लेन में कुछ अटक रहा है। तभी साइरस अपने साथी और कैमरन को नीचे भेजता है देखने के लिए, और ये दोनों वहां जाकर एक लाश देखते हैं। साइरस का साथी कैमरन से उस लाश को नीचे फेंक देने को कहता है, लेकिन कैमरन वो लाश फेंकने से पहले उस पर ये लिखता है कि ये सब कैदी कहां जाने वाले हैं, ताकि पुलिस वालों की मदद से इनको पकड़ा जा सके। लाश नीचे गिरती है और एक कार से टकरा जाती है, और जब वहां पुलिस आती है तो उस लिखे संदेश को देखकर वो सीधा यूएस मार्शल को इन्फॉर्म करते हैं ताकि उनकी मदद हो सके। अब यूएस मार्शल कैमरन और उसकी बेटी से बात कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कैमरन एक आर्मी ऑफिसर है और उसे एक कत्ल के इंजाम जो कि उसने अपने बचाव के लिए किया था, इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया है और उसी ने ऊपर से ये लाश फेंकी होगी। जिससे मार्शल बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उनका एक साथी उस प्लेन में था और वो अपने साथियों को इसके बारे में बताता है। लेकिन कुछ ऑफिसर्स उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि वो उस ट्रैकिंग डिवाइस का पीछा कर रहे थे जो कि उन कैदियों ने दूसरे प्लेन में लगा दिया था, और इसलिए यूएस मार्शल अकेले ही एक गाड़ी लेकर उस जगह जाने लगता है जहां ये सब कैदी अपना प्लेन बदलने वाले थे। जिसके बाद इधर एक कैदी को पता चल गया था कि कैमरन इन सबसे झूठ बोल रहा है और ये एक आर्मी ऑफिसर है। तभी कैमरन वहां आ जाता है और वो नहीं चाहता कि ये बात किसी को पता चले, इसलिए कैमरन उस कैदी को मार देता है। जिसके बाद ये सभी एक ऐसी जगह पर अपना प्लेन उतारते हैं जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन इन्हें नहीं पता कि यूएस मार्शल यहाँ पहले ही आ चुका है। लेकिन जब ये प्लेन उतार रहे थे तब इनका एक प्लेन एक जगह पर फंस जाता है और अब ये सब उसे ठीक करने लगते हैं। लेकिन कैमरन साइरस से कहता है कि मैं पेट्रोल देख कर आता हूँ, और इतना कहकर वो गोडाउन में जाता है ताकि ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर सके। लेकिन तभी उसे यहाँ कुछ बदमाश मिलते हैं जो कैमरन पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन तभी यूएस मार्शल जो कि वहीं छिपा हुआ था वो कैमरन को बचा लेता है, लेकिन कैमरन उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन फिर मार्शल कैमरन को उसकी पत्नी और उसकी बेटी के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने आर्मी को भी इन्फॉर्म कर दिया है। जिसके बाद कैमरन भी मान जाता है। अब साइरस का एक साथी उसे धोखा देकर दूसरे प्लेन में भागने लगता है, लेकिन तभी यूएस मार्शल बिना किसी की नजर में आए उस प्लेन पर क्रेन गिरा देता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ता है और वो सीधा पेट्रोल पंप से टकराता है। साइरस अपने साथी की ये हरकत देखकर बहुत गुस्सा होता है और उस पेट्रोल पंप पर आग लगा देता है। और अब आर्मी वाले भी वहां आ जाते हैं, जिसके बाद साइरस और आर्मी के बीच में कुछ देर फायरिंग होती है और साइरस जैसे तैसे अपना प्लेन वहां से निकाल लेता है और आर्मी वालों को चकमा देकर प्लेन उड़ा देता है। लेकिन अब साइरस को शक हो गया था कि उनके बीच कोई गद्दार छिपा हुआ है, इसलिए वो एक लेडी गार्ड के ऊपर बंदूक तान देता है और उसे बाहर आने को कहता है। लेकिन जैसे ही कैमरन आगे बढ़ता है उसका दोस्त उसे रोक देता है और साइरस को अपना नाम बता देता है कि उसने ही उन सबको धोखा दिया है। और अब साइरस भी उस पर गोली चला देता है, लेकिन इस गोली से वो मरता नहीं, बस घायल हो जाता है। कैमरन उसे हौसला देता है कि वो उसे बचा लेगा, लेकिन तभी वहां आर्मी वाले आते हैं और साइरस के प्लेन पर हमला करने लगते हैं। ये सभी कैदी घबरा जाते हैं, फिर यूएस मार्शल ऑफिसर्स को उन पर हमला करने से रोकता है क्योंकि उसमें उनके कुछ साथी भी हैं। लेकिन अब वो प्लेन इतना डैमेज हो गया था कि कैदी पायलट के कंट्रोल से बाहर था, इसलिए वो जैसे तैसे अपने प्लेन को एक शहर के बीचों बीच उतार देते हैं, जिससे बहुत लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन सभी कैदी अभी भी सही सलामत थे। मौका देखकर साइरस और उसके साथी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैमरन उसे देख लेता है और ये उसका पीछा करने लगता है। और जब कैमरन उनके पास जाता है तब साइरस के साथी उस पर हमला करते हैं। कैमरन भी कम चालाक नहीं था, वो उस गाड़ी में आग लगा देता है, जिससे एक बड़े धमाके के कारण साइरस और उसके सभी साथी मारे जाते हैं। अब कैमरन अपने परिवार से मिलता है और अपनी बेटी को पहली बार देखकर बहुत खुश होता है। कहानी में जो सबसे खतरनाक कैदी था, असल में वो प्यार की कमी की वजह से लोगों की हत्या कर देता था, और उससे जब एक छोटी बच्ची बात करती है तो वो अपना सब कुछ भूल कर अपने जीवन की नई शुरुआत करता है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।